हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज सेसफुल किचन। ये देखिए, मैंने गमलों में मेथी लगाई हुई है और आज मैं यही मेथी यूज़ करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे लगा सकते हैं। ये पालक लगा हुआ है, ये बेजिल है और ये हमने धनिया और हरा प्याज लगाया हुआ है। तो आज मैं ये मक्की मेथी जो है तोड़ के मक्की के पराठे बनाने वाली हूँ। तो आज हम फ्रेश मेथी लेने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से ये काट लेंगे। तो ये देखिए, फ्रेश मेथी हमने काट कर तैयार कर ली है। अब हम इसको धोते हैं और इसके पराठे बनाते हैं। तो अब हमने मेथी जो है वो काट के धो के अच्छे से साफ कर ली है। और ये लिया है हमने मक्की का आटा। एक कप मैंने पूरा ऊपर तक भर के लिया है और इसमें मैं एक टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल रही हूँ। जिनको ये बनाना मुश्किल होता है उनके लिए बहुत आसान है, इससे टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। 2 पिंच में हींग ले रही हूँ। नमक है स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच मैंने अजवाइन को ऐसे हाथ से क्रश कर लिया है वो लिया है। एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। साथ में लिया है हमने गुनगुना पानी। तो आइए इसका आटा लगाते हैं। अब हम इन सब चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद, क्योंकि हमारी मेथी गीली है तो पहले हम इसको भी मिक्स करेंगे ताकि जो पानी है वो हमें पता लग जाए हमें कितना यूज करना है। पहले इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस आटे को लगाएंगे। बिगनर भी इसको बना सकते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं बनाई है वो इस तरह से मक्की के पराठे बनाकर ट्राई कीजिए। सर्दियों का बहुत अच्छा फूड है ये। हमारा पारंपरिक, जैसे ट्रेडिशनल फूड है, जरूर खाना चाहिए सर्दियों में। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आटे को इकट्ठा करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पहले हमने इसको ऐसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। और इसको हम गेहूं के आटे की तरह नहीं लगाते हैं, इसको हम ऐसे मसलते हैं हाथ से, ऐसे चिकना करते हैं। जितना अच्छा मसलेंगे, जितना चिकना आटा होगा, उतना ही रोटी जो है वो अच्छी बनेगी। अब देखिए ये क्या है, अब ये गूंथना शुरू हो गया है, चिकना होना शुरू हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो ये हम जितना अच्छा मथेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रोटी जो है वो बनेगी। आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से जुड़ गया है, रोटी बनने के लायक हो गया है। जितना अच्छा आप इसको मथेंगे वो ज्यादा अच्छा आटा बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है शुरू में ही, ये टिप है रोटी बनाने की। ये देखिए, जब जुड़ना शुरू हो जाए तो हमें लगेगा कि रोटी बनने के लिए तैयार है। ये देखिए, अब जो हमारा आटा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने छोटी सी लोई तोड़ ली है और इसको ये हमने जो ये प्लास्टिक है इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है और इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। हाथ से भी आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, चारों तरफ से ऐसे घुमाते जाइए, हाथ से ऐसे बढ़ाते जाइए। छोटे पराठे बना लीजिए ऐसे, और चाहें तो आप चकले से भी कर सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, आप ये कहेंगे ही नहीं कि हम नहीं बना सकते। देखिए कितने अच्छे से ये
बन गई है। आप रोटी बनाइए, पराठे बनाइए। ये देखिए कटी हुई मेथी, कितना सुंदर कलर ये लग रहा है। और ये हमारी बनकर तैयार है। और ये देखिए छोटी छोटी रोटी हम बनाने वाले हैं। और इसको अब हम डालेंगे तवे पर। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि पहले पॉलिथीन के नीचे से ऐसे हाथ रखिए और इस टाइप से इसको निकाल लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और अब हम डालेंगे इसको तवे पे, है ना बढ़िया। लोई तोड़ के हमने इस पे ऑयल लगा लिया है, नीचे भी लगा हुआ है। और फिर उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत मुश्किल नहीं है ये बनाना। बस आप ये देखिए कि बीच में से मोटी ना रहे, ऐसे थेपते हुए फटाफट से। ये देखिए जैसे हम आलू के पापड़ भी बनाते हैं ना, तो उसी टाइप से ये रोटी हर कोई बना सकता है। रोटी, पराठा, जो भी आप बनाना चाहें, जितना पतला आपको करना है। अगर आप पतला खाते हैं तो और पतला कर दीजिए। ये देखिए तो मैं ये छोटी छोटी बना रही हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, और बिना सब्जी के। यानी ये पराठे हैं, दही और चटनी के साथ, अचार के साथ खाइए। ये देखिए, और उतारना भी बहुत आसान है। जब आप हाथ से उतारते हैं, बनाते हैं, तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। और हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, एक हम इसमें और डाल देंगे। तब तक हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये चारों तरफ से सिक गया है। उसी तरह से हम इसकी वेट करते हैं। बस हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर सेकना है, ताकि जो रोटी है या पराठा है वो अंदर से कच्चा ना रहे। और अगर आप बिगनर हैं और आप शुरू में बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए नॉन स्टिक पर बनाएं। तो आपको इसमें ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं है, नॉन स्टिक पैन में। और हैवी तवा लें इसका, और इस तरह से रोटी बनाइए, तो है ना टेस्टी मजेदार बनाएंगे आप। और अब हम ये तीसरा भी इस पे डाल देंगे। तो देखिए आप एक ही बार में तीन बन रही हैं छोटी छोटी। हमारा ये तवा भी बड़ा है। इधर से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया रोटी, बहुत ही बढ़िया पराठा। आप ये रोटी सेक सकते हैं, ये देखिए इसको रोटी की तरह बना सकते हैं, नीचे अगर गैस पर सेकेंगे तो, और घी लगाकर ऊपर ही तवे पर सेकेंगे तो पराठा तैयार है। अब हम लगाएंगे इनके ऊपर ये घी, घी या तेल जिसमें आप चाहें बनाना पसंद करते हैं। बाकी मक्की के पराठे और रोटी जो है वो घी से ही टेस्टी लगती है, सर्दी में जरूर खाइए। और ये देखिए है ना बढ़िया मजेदार। दोनों तरफ हम इनके घी लगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको इसको बनाना है, ताकि रोटी जो है या पराठा जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे। तीन रोटी आप बना सकते हैं, बहुत बड़ी या मोटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो तीन पराठे एट ए टाइम, तीन रोटी, यानी अगर तीन लोग बैठे हैं तो आप एक साथ सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज मक्की की रोटी सर्व करने में टाइम लगता है। ये देखिए ऐसे हम चारों तरफ से इसको सेक लेंगे। इनके इसके भी इस तरफ हम घी लगा लेंगे। और यकीन मानिए ये न्यूट्रिटिव तो है ही, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आप नहीं कह सकते कि आप मक्की की रोटी नहीं बना सकते या पराठा नहीं बना सकते। आटा बस आपको अच्छे से गूंथना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो पहुंच सके आप तक। और अगर मेरे व्यूअर्स कुछ मुझसे अच्छी कोई नई रेसिपी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर ट्राई करूंगी उसको बनाने की। तो ये देखिए बढ़िया बढ़िया पराठे। अब हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, ताकि वो अच्छे क्रिस्पी सिकें पराठे जो हैं। देखिए मैं इसमें ना मसाले नहीं डालती हूं और, क्योंकि जो ऑलरेडी इसका मेथी का और मक्की का फ्लेवर है ना, वो मैं उसको खत्म नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली के अलावा गरम मसाला या चाट मसाला और कोई ये मसाले नहीं डालती हूं। आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। अब ये देखिए ये हमने थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी किया है, जो क्रिस्पी खा सकते हैं। जिनको सॉफ्ट खाना है वो ये खाएं,
इस टाइप से ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो गैस को करते हैं ऑफ और इनकी करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए बन गई ना यम्मी से परांठे, ये क्रिस्पी परांठे। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।